हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीडल एजुकेशन की ये दूसरी वीडियो है, यानी कि बीएससी कैलकुलस की ये मैथमेटिक्स की वीडियो चल रही है। तो इसमें हमने पीडल एजुकेशन टॉपिक ले रखा था, जिसमें से हमने पहली वीडियो एक अपलोड कर दी, जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूला पीडल एजुकेशन क्या होती है उस पर कुछ सवाल कराए थे, वो जाकर देख लें। अभी ये दूसरी वीडियो है, तो इसमें हमने ये सवाल रखा है, सो दैट द पीडल एजुकेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स प्लस ए एच पी स्क्वेयर बराबर ए एक्स ए आर। ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब ये एक पैराबोला दे रखा है और इस पैराबोला की पीडल इक्वेशन ये होती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वेयर आर फोर ए एक्स प्लस ए, यानी इसका आंसर इतना आना चाहिए, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको हमने सबसे पहले क्या है कि ये जो कर्व दे रखा है वो लिख लीजिएगा वाई स्क्वेयर बराबर, इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ फोर ए एक्स प्लस, और ये कितना हो जाएगा फोर ए स्क्वेयर, इसको समीकरण एक मान ले रहा हूँ मैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम इसका दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर नजदीक है तो मैं दूसरी वीडियो में दूसरा बता दूंगा तरीका, ये थोड़ा सिंपल तरीका है, इसको डायरेक्टली जो मैंने फॉर्मूला बता रखा था उसमें से। ठीक है ना, तो देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना है, वो वाला जो फॉर्मूला था dy / dx निकालना है सबसे पहले, तो ये तो दोनों में ही निकालना होता दोनों तरीके में, तो पहले dy / dx निकालिएगा, तो इसकी जगह पर 2y dy / dx, यानी कि मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा dy / dx साथ में आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, इसका 4a हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, 0 क्यों, क्योंकि 4a स्क्वायर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखिएगा, 2 से ये कट जाएगा इतने बार, तो कितना हो जाएगा dy / dx की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा 2a / y, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। समझ में आ गई बात, यानी dy / dx की हमने वैल्यू निकाल दी। अभी हमारे पास पीडल इक्वेशन का एक डायरेक्टली फॉर्मूला था, क्या था पीडल इक्वेशन का एक डायरेक्टली फॉर्मूला था, मोड में x dy / dx माइनस y अंडर रूट में 1 प्लस, और कितना था dy / dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पहले वाली वीडियो में ये फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब इसकी जो वैल्यू रखी है इसको सॉल्व करना है, देखिएगा x, हाँ ये कितना हो जाएगा x इंटू dy / dx की वैल्यू कितनी है 2a y / ये क्या है y। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा देखिएगा अंडर रूट में 1 प्लस dy / dx, dy / dx की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4, यानी कि 4a स्क्वायर / y स्क्वायर। समझ में आते हैं बात, अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, और देखिए ऊपर का भी आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये कुछ इस तरीके की आपको नजर पड़ेगी। अब ये समीकरण देखिएगा, नीचे का एलसीएम पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा देखिएगा, ये हमने एलसीएम ले लिया वाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2ax, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है ना, इस तरीके से जो आपको ऊपर वाले में दिखाई देगा स्पष्ट, ये y हमने एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा 2ax माइनस, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नीचे वाले का मैं, अब देखो ये अंडर रूट में है और ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर / y स्क्वायर। समझ में आगे बात, ये चीज आ जाएगी, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी अंडर रूट में था, वो मोड में हम ले हो या मत ले हो, तो हमने बाद में जो माइनस आएगा तो उसे प्लस कर देंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से आपका क्या है, चलो मैं ले ले रहा हूँ, आप फिर घबरा हो गए। ठीक है, अब देखिएगा ये जो वैल्यू है आपकी, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखो किस तरीके से, देखो ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट है, अंडर रूट में ये वाई स्क्वायर है तो अंडर रूट इस पर आएगा, यानी केवल वाई बचेगा, और वाई से ये वाला वाई कट जाएगा, तो डायरेक्टली ये कितना बचेगा 2ax माइनस वाई स्क्वायर / और ये बचेगा अंडर रूट में आपका बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। समझ में आने बात, क्यों देखो ध्यान से समझिएगा, ये वाई है, यानी कि देखो अंडर रूट में ये वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर तो जॉ करते हुए, लेकिन अंडर रूट इस पर करूंगा तो ये केवल वाई बचेगा और वाई से ये वाला वाई कट जाएगा, तो इसलिए ऊपर वाली संख्या ये लिख दी, ये वाली नीचे रख दिया। ठीक है, अब ये चीज जो थी हमें यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मॉड था आपका। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मैं यहाँ से रख दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ और यहाँ पर भी रख दे रहा हूँ, तो ये क्या दिखाई देगी, ये समीकरण कुछ इस तरीके की अब नजर पड़ेगी आपको, पी बराबर क्या हो जाएगा मॉड में
2a² 2ax - इसकी जगह ये रखेंगे तो 4ax - 4a² ये आ जाएगा, ठीक है। और नीचे रखोगे वाई स्क्वायर की जगह पर तो क्या हो जाएगा 4ax - +4a² + और ये कितना 4a² ये आ जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 2ax - 4x जाएगा तो -2ax और ये कितना हो जाएगा -4a² अपॉन नीचे कितना है 4ax है प्लस और ये कितना हो जाएगा 8a यानी कि 8a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, ये अंडर रूट में था, ये आपका अंडर रूट में था नीचे वाला, तो इसलिए ये अंडर रूट में रहेगा। तो p बराबर देखिएगा इसमें से -2a कॉमन ले लीजिए, -2a कॉमन ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा x + 2a बचेगा। देखो 4 में से 2 गया बाहर, a गया तो 2a बचा, यहाँ से 2a गया तो x बचा। सेम नीचे से आपका कितना कॉमन दिखाई दे रहा, अंडर रूट में ही आप अंदर ही अंदर कॉमन ले लीजिए 4a, तो x प्लस यहाँ पर भी कितना बचेगा 2a बचेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये हो गया। अब इसका मैं आपका स्क्वेयर कर दे रहा हूँ, तो देखिएगा ये स्क्वेयर हो जाएगा, ये स्क्वेयर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा p² बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा x + 2a का होल स्क्वायर अपॉन ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा सॉरी 4a² हो जाएगा ये, और ये कितना 4a और ये कितना हो जाएगा x + 2a। क्यों? क्योंकि इसका तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये 4a² x + a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा, a स्क्वायर से a और a से ये घात कट जाएगी, तो मतलब कुल मिला के ये p² बराबर कितना बचेगा a x + 2a बचेगा, ये वाली चीज बचेगी। इसको आप समीकरण कोई मान लीजिए, समीकरण ये 2 मान लिया हमने, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ के बाद में थोड़ा सा और है आपका कि यदि आपने ये करा है, इसके साथ में एक चीज और लिख लेना है यहाँ पर, क्या है कि ये r² बराबर क्या होता है, हमने पहले बता रखी थी x² + y² होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखिएगा हमें p² बराबर ar हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखिएगा p² बराबर ax + a, ठीक है, इतना आ चुका है। अभी हमें देखिएगा p² आ गया, a आ गया, तो ये वैल्यू हमें r बराबर दिखानी है कि ये r की वैल्यू होती है। देखो होगी कैसे, देखो y² है, y² की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा r² बराबर x² + ये y² की जगह कितना हो जाएगा 4ax + 4a², ठीक है, ये चीज। और देखो ये फॉर्मूला बन गया a² + b² यानी 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4a² + 2a * 2ab यानी कुल मिला के ये किसका फॉर्मूला बन गया r² बराबर ये बन गया x + 2a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। नहीं तो देखो a² + b² यानी 2 * 4 a² + 2ab तो 2 × x × 2a यानी कि 4ax, क्लियर है। स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा x + 2a, ये समीकरण 3 मान लीजिए। ये चीज आप इसमें साइड में कर देना यहाँ पर, ठीक है ना, आप इसके नीचे कर देना 2 मान रखिए इक्वेशन, यदि या फिर इसको 2 मान लेना इसको 3 मान लेना, मतलब यही है आपको फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 दूसरी दी और तीसरी से क्या चलोगे तो क्या हो जाएगा p² बराबर a * r, यही चीज आपको क्या करनी थी प्रूव करनी थी। तो यही चीज आपको क्या होगी चाहिए प्रूव हो चुकी है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। क्योंकि r बराबर क्या हो गया x + 2a, तो r बराबर क्या हो गया x + 2a की जगह मैंने r लिख दिया, और देखो यही तो p² बराबर a r, यही तो लाना था, यही प्रूव हो चुका है। यदि वो सो दैट नहीं करता, कहता फाइंड द पीडल इक्वेशन कर्व गिवन कर्व p² 4a x + a, ठीक है ना, तो आपको यही क्वेश्चन यहाँ तक करना था। मोस्टली आपको पता है ये जो इक्वेशन है वो p और r मिलानी होती है, तभी पीडल इक्वेशन का मतलब ही ये है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो p और r में हो, समझ में आ गई बात। तो p और r वाली इक्वेशन आती है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना इतने का, ठीक है, और इसका प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, और इस बात पर ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला बनता है
एक्स प्लस यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मोस्टली हर कई क्वेश्चनों में लगातार बनता है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नए लोग क्या है, वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे खास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक करके अपने जितने भी खास मित्र हैं उन तक पहुँचाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।